आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में वज़ीर आज़म मोदी बोकारो और गुमला में करेंगे इंतखाबी रैलियां। रांची में करेंगे रोड शो। हेमंत सोरेन का तमाड़ में जलसायाम। महाराष्ट्र इंतखाबात के लिए अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का मंशूर। कांग्रेस सदर खड़गे महाविकास आघाड़ी का जारी करेंगे मंशूर। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की अवामी लीग का आज बड़ा मुजाहिरा। उबूरी हुकूमत ने मुजाहिरीन को किया खबरदार। और जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप बुध को ओवल ऑफिस में करेंगे मुलाकात। इकदार की मुंतकली पर होगी बाज़ाब्ता बातचीत। और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंट जॉर्ज पार्क में दूसरा T20 मैच आज। भारत को 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी है हासिल। और अब खबरें तफसील से। झारखंड की जंग जीतने के लिए चाहे हुक्मरा पार्टी हो या ऑपोजिशन, दोनों ही पूरे जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। झारखंड में बीजेपी ने कद्दावर लीडरों की एक फौज उतारी है। बीजेपी के स्टार कंपेनर्स में से एक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज एक हफ्ते में दूसरी बार झारखंड का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे और इसके बाद वो दारुल हुकूमत रांची में एक अजीमुल शान रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बोकारो में जलसे आम करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार और झारखंड असेंबली में ओपोजिशन लीडर अमर कुमार बावरी के लिए बोकारो के चंदन कियारी में मुहिम चलाएंगे और आवाम से उनके हक में वोट देने की अपील करेंगे। और इसके बाद वजीर आजम गुमला में इंतखाबी जलसा करेंगे। यहां वो गुमला में साबिक एमपी और बीजेपी उम्मीदवार सुदर्शन भगत की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। जलसे आम के बाद वजीर आजम रांची जाएंगे और ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो करेंगे। ये 3 किलोमीटर का रोड शो कई लिहाज से तारीखी होगा। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व सरमा ने इस रोड शो में बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद जाहिर की है। 81 रुकनी झारखंड असेंबली के लिए वोटिंग 2 मरहलों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन आज झारखंड के रांची जिले पर के तमाड़ ब्लॉक में वाक़ पेडियाडी गांव में इंतखाबी रैली निकालकर वोटरों को राकिब करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मुंबई में महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र के मंशूर में 20 अहम नुकात शामिल कर सकती है। इस मौके पर महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े लीडर मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में महायुति इतिहाद के तहत बीजेपी 152 सीटों पर, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80 सीटों पर और अजीत पवार की एनसीपी 52 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। ऐसे में महायुति ने अपना मंशूर जारी किया है, जिसमें 10 बड़ी गारंटी देने का वादा किया गया है। गुज़िश्ता इतवार को वजीर दाखिला ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया था, जिसमें रियासत में यूसीसी को नाफिज करने और झारखंड से बांग्लादेशी दरअंदाजों को निकालने का ऐलान किया गया था। आज महाराष्ट्र का मंशूर जारी करने के बाद अमित शाह रावेर, मलकापुर और मोरोशी में जलसे आम करेंगे। महाराष्ट्र के अकोला और लोकसभा मेंबराने पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर अनूप धोत्रे ने दावा किया है कि इस बार भी अकोला की तमाम 5 सीटों पर महायुति जीतेगी और विदर्भ में महाआघाड़ी की सीटें पिछली बार से कम होंगी। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अकोला में हवाई अड्डा बनाना महायुति हुकूमत की तरजीह है। अकोला के सांसद अनूप धोत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकोला में इस बार कितनी सीटें दे रही है अकोला बीजेपी और महायुति को? माननीय नरेंद्र जी मोदी, इनका 4थी बार प्रचार के लिए वो अकोला आए हैं। उसमें पिछली विधानसभा में वो आए थे, उन्होंने संपूर्ण भारत में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था,
तभी हमने पांचों की पांच विधानसभा ये भारतीय जनता पार्टी महायुति की लाई थी, और इस बार भी हमें विश्वास है कि हमारी पांचों सीटें ये महायुति और भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। अभी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है, ऐसे में आप सांसद होने के नाते जो भी उम्मीदवार जीत कर आएंगे अकोला के लिए कौन से ऐसे विकास कार्य देख रहे हैं? एज अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट सबसे बड़ी जो हमारी प्रायोरिटीज़ है उसमें हमारे यहाँ का अकोला एयरपोर्ट है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन के लिए माननीय मोदी जी ने जो अमृत भारत स्कीम है उसके माध्यम से हमारे सिटी का 300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लाया है, तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे इम्प्लीमेंट की जाए, कैसे चालू किया जाए, और संपूर्ण महाराष्ट्र में जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत में सबसे पहली रेलवे ये बॉम्बे ठाणे अंग्रेज़ों के ज़माने में आई थी, और जो ट्रैक्स है पिछले 50 सालों में जितनी ट्रैक्स हुई उससे ज़्यादा ट्रैक्स ये मोदी सरकार ने लाई है। आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि 1,15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सिर्फ ट्रैक लेइंग का ही काम नहीं होगा, पर जो रेलवे की स्पीड है वंदे भारत जैसी ट्रेनों के माध्यम से और ट्रैक्स की इम्प्रूवमेंट से, उनकी अलाइनमेंट के इम्प्रूवमेंट से, तो वो स्पीड इंक्रीज करने का जो एम है वो एम हमें अगले 5 सालों में अचीव करना है, और 1,15,000 करोड़ का जो एक बड़ा बजट इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने भी दिया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अकोला के सांसद अनूप धोत्रे जी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ निशांत राय, अकोला, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी आज अपना मुकम्मल मंशूर जारी करेगी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी, एसपी और यूबीटी लीडरों की मौजूदगी में महा विकास अघाड़ी का मंशूर जारी किया जाएगा। एमवीए के मंशूर का मुसविदा साबिक वजीर आला पृथ्वी राज चौहान, साबिक रुकन पार्लियामेंट और प्लानिंग कमीशन के साबिक रुकन भालचंद्र मुंगेकर और एनसीपी, एसपी और साबिक रुकन पार्लियामेंट वंदना चौहान की सरबराही में एक कमेटी ने तैयार किया है, और इससे पहले भी महाविकास अघाड़ी ने अपना मंशूर जारी किया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे और एनसीपी के सरबरा शरद पवार मौजूद थे। इस मंशूर में महाविकास अघाड़ी ने 5 गारंटियों का वादा किया था। महाविकास अघाड़ी ने वोटरों को राकिब करने के लिए बहुत से इंतखाबी वादे किए थे, जिनमें खवातीन, किसानों और नौजवानों पर खसूसी तवज्जो दी गई थी, और इसके अलावा शिवसेना उद्धव धड़े ने अलग से अपना मंशूर जारी किया था। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों पर है, और इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी दल का मंशूर जारी करेंगे, और इसके बाद कांग्रेस सदर आइन बचाओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों पर होने वाले जिमनी इंतखाबात में बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज 3 रैलियां करेंगे, ताकि पार्टी के हक में जीत का माहौल बनाया जा सके। योगी आदित्यनाथ कई कटिहरी, फूलपुर और मझावा असेंबली हलकों में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में रैलियां करेंगे। वायनाड लोकसभा जिमनी इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज वायनाड के 4 असेंबली हलकों में जलसा आम करेंगी, और उनका आज यहां पर स्ट्रीट मीटिंग का प्रोग्राम भी है। प्रियंका गांधी ने गुज़िश्ता इतवार से वायनाड में इंतखाबी मुहिम के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गुजरात के जिला वलसाड़ के उमरगाम सनती इलाके में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग के शोले इतने भयानक हैं कि उन्हें बहुत दूर से देखा जा सकता है। दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम जारी है। आग लगने से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वफ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बिल की जांच के लिए 9 नवंबर से 14 नवंबर तक 5 शहरों का दौरा कर रही है, और इस सिलसिले में पहले दिन मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग गुवाहाटी में स्पीकर जगदम्बिका पाल की सदारत में हुई। इस मुलाकात के बाद मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के अरकान ने भुवनेश्वर का दौरा किया। वफ तरमीमी बिल पर जेपीसी की चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने कहा कि ओडिशा में वफ से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के अरकान पार्लियामेंट हमारे साथ आए हैं, और इस मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए रियासती सरकारी अफसरान, हाईकोर्ट के वकला, इस्लामी स्कॉलर्स, मजिस्ट्रेट, किसानों, जजों को भी हमारा वफ्त या स्टेक होल्डर्स हैं, हम अपने मुजवजा तरमीमी बिल पर
उनकी तजवीज लेंगे। उड़ीसा में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्त के मेंबर पार्लियामेंट हमारे साथ आए हैं और हम इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इस उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं, उनके साथ हम अपने जो अमेंडमेंट बिल पे प्रपोज्ड हैं उस प्रस्तावित वक्त अधिनियम के संशोधन के, उस पर हम उनके सुझाव लेंगे। तो इसके इसको लेकर के सरकार एक अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है जिसमें 44 संशोधन हैं और उसी संशोधनों पे पूरे हम देशव्यापी स्तर पे इस पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और बिल पर बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट और मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की रुकन अपराजिता सारंगी ने कहा है कि जेपीसी 9 अगस्त 2024 को तशकील दी गई थी और पहली मीटिंग 22 अगस्त 2024 को हुई थी और उस दिन से आज तक कुल 25 मीटिंगें हुई हैं। मुख्तलिफ रियासतों में मीटिंगें हो रही हैं और 47 तंजीमों को बुलाया गया है। 9 अगस्त 2024 को जेपीसी का गठन हुआ था, 22 अगस्त 2024 इसकी पहली मीटिंग हुई और उस दिन से लेकर अब तक हम लोगों ने 25 सिटिंग की है और विभिन्न राज्यों में जाकर सबसे बातचीत हो रही है, विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है। 47 ऑर्गेनाइजेशंस को अभी तक बुलाया गया है। आज गुवाहाटी में थे और परसों हमारी हियरिंग भुवनेश्वर में है। आज ही 5 पूरी टीम आई है और उसके बाद लगातार हम जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ मत रखना है, उपस्थापित करना है, उन सबसे बातचीत होगी और उसके बाद जब सारे मत आ जाएंगे तो हम अपना रिपोर्ट ऑनरेबल स्पीकर माननीय वाचस्पति महोदय को देंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने रियासत के आवाम को बड़ा तोहफा दिया है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मुनाकिद प्रोग्राम के दौरान उन्होंने रियासत की 1,29,00,000 प्यारी बहनों के खातों में 1,573 करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं। प्रोग्राम के दौरान वजीर आला मोहन यादव ने गैस रिफिल और सोशल सिक्योरिटी पेंशन के 2,10,00,000 इस्तेफादा कुनंदगान के खातों में 1,961 करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं। उन्होंने 26,00,000 बहनों के खातों में 55 करोड़ रुपए की सिलेंडर रिफिल की रकम और 55,00,000 सोशल सिक्योरिटी पेंशन इस्तेफादा कुनंदगान के खातों में 333 करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं। और इस दौरान नेहरू स्टेडियम में 5,000 से जायद लड़कियों की जानिब से तलवारबाजी में आलमी रिकॉर्ड बनाने का प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया। पिछले 500 साल में हमारी मध्य प्रदेश की बेटियों ने अपने तलवार के पराक्रम से जो जौहर दिखाया उसकी ये लघुरूप हमारे सामने दिखाई दिया। क्या बहन हमारी बेटियां उछल उछल करके तलवार के वार करती जा रही थी और एहसास करा रही थी कि हमारी इस देश के अंदर बहन बेटियों की अपनी आस्था, उनका विश्वास, श्रद्धा और नारी सशक्तिकरण की दिशा में अतीत का गौरवशाली स्वर्णिम पृष्ठ का कहीं है दुनिया में, वो एकमात्र देश भारत है, उसका एहसास हो रहा था हमको यहाँ देख करके। और कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल मामले के खिलाफ जारी एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल रात इस वाकये को 3 माह मुकम्मल होने पर हजारों लोग जूनियर डॉक्टरों की क्यादत में सड़कों पर निकले और इसमें बच्चों और खवातीन ने भी शिरकत की। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने इस मामले पर इंसाफ का मुतालबा किया। इस मामले को लेकर बीजेपी ने ममता हुकूमत पर हमलावर है। मगरबी बंगाल असेंबली में ओपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद तभी रुकेगा कि जब ममता बनर्जी वजीर आला के ओहदे से दस्तबरदार होंगी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में ट्रैफिक महीना मनाया जा रहा है जिसका मकसद ट्रैफिक सेफ्टी को फरोग देना और हादसात को कम करना है। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक नोएडा यमुना प्रसाद ने कहा कि आज ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम शुरू की गई जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की जांच की जा रही है। तमाम ड्राइवरों की जांच की जा रही है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो शराब के नशे में गाड़ी नहीं चला रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गोमती
रिवर फ्रंट पार्क में मुनक्किद गोमती बुक फेस्टिवल का अफ्ताह किया। ये मेला नेशनल बुक ट्रस्ट और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है, जो 9 नवंबर से 17 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने बच्चों से निसाब के साथ साथ तख्लीकी और मालूमाती किताबें पढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ निसाब की किताबों तक महदूद न रहें, बल्कि अच्छी किताबें पढ़ें और उनसे अच्छी चीजें सीखें। वज़ीर-ए-आला ने तमाम बच्चों से मेले में एक एक किताब खरीदने की दरख्वास्त की, ताकि उनमें किताबें पढ़ने की आदत पैदा हो सके। एनटीपीसी और एनएचपीसी तवनाई पैदा करने के शोबे में मुल्क की दो सरकर्दा कंपनियों ने दिल्ली में अपना 50वां यौम तासीस और गोल्डन जुबली मनाया। साल 1975 में कायम होने वाली ये दोनों ही कंपनियां अपने कयाम के 50वीं गोल्डन जुबली साल में दाखिल हो गई हैं। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने एनटीपीसी और एनएचपीसी की गोल्डन जुबली तकरीबात के आगाज के मौके पर एक कॉफी टेबल बुक, समत्वम और बच्चों के लिए एक मजाया किताब जलसे ज्योति जारी की। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि तवनाई भगवान की शक्ल है और आने वाले दिनों में इसकी मांग में मजीद इजाफा होने वाला है। ऐसे में एनटीपीसी और एनएचपीसी को तवनाई की पैदावार से पैदा होने वाली आलूदगी को कम करने के लिए मिलकर काम करना होगा। सामाजिक जीवन, प्राणी जीवन, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ चैलेंजेस भी हैं और कुछ उसको उस चैलेंज को स्वीकार करके उसमें से रास्ता निकालने का भी है। आगे आगे इस ऊर्जा की डिमांड बढ़ने वाली है और जो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई हमारे लिए चैलेंज होगा। उसके सारे प्रोजेक्शन सब डिपार्टमेंट तय कर लिए हैं, उन प्रोजेक्शंस के हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़े हैं। सबको मिलकर के काम करना होगा और सब मिलकर के काम करेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी। ऊर्जा को पैदा करते हुए जो प्रदूषण होगा उसको समाप्त करने के लिए भी अपने अपने काम में लगेंगे, संतुलन बना रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कॉल पर दोनों कंपनियों को 2030 तक गैर रिवायती ज़राए से 500 गीगावाट बिजली पैदा करनी है और एनएचपीसी इस सिमत में तनदही से काम कर रही है। एक तो 2030 तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन 500 गीगावाट को क्रॉस करना, दूसरा था कि 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपको रिन्यूएबल ऐड करना पड़ेगा और जो सोर्स ज्यादा कार्बन रिलीज कर रहा था उसको धीरे धीरे घटा के अपने एनर्जी बास्केट से उसको कम करना पड़ेगा। रोशन है भारत सारा। गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर एक रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिससे एनएचपीसी और एनटीपीसी दोनों कंपनियों के मुलाजमीन के अहले खाना ने लुत्फ उठाया। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद की जानिब से नई दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एहतराम इंसानियत व मजाहिब आलम के उन्वान से मुनक्किद की जा रही दो रोजा 35वें ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर कल मस्जिद नबवी के इमाम व खतीब डॉक्टर अब्दुल बिन अब्दुल रहमान बिन सुलेमान अल बुईजान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैं मदीना तुन नबी से इस्लाम का पैगाम व इंसानियत लेकर भारत आया हूं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन व शांति का गहवारा बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि उलमा की बड़ी तादाद और जिम्मेदारी है कि मुल्क व माशरे की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें। यह वक्त की बड़ी जरूरत है। जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इस अहम कॉन्फ्रेंस के मौजू पर एहतराम इंसानियत और मजाहिब आलम के इंतखाब पर मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी की सताइश की और कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी से हमें इसारो कुर्बानी की तालीम दी है। हमारे रसूल व अंबिया सलाम ने हमें अमनो शांति की दुआ करने की तलकीन की है। मुसलमान जहां भी रहें उनको अपना अमली नमूना पेश करते रहना चाहिए।
और बांग्लादेश में बगावत के 3 माह बाद शेख हसीना की जमात अवाम लीग ने आज ढाका में एक बड़ी एहतजाजी रैली की अपील की। अगस्त में तलबा की बगावत के बाद से अवामी लीग के रहनुमाओं और कारकुनों को हमलों का सामना करना पड़ा था। साबका हुक्मरा जमात अपनी ज्यादातर आला क्यादत जेल या जिला वतनी के साथ दोबारा मुनज्जम होने और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में अवामी लीग ने आज ढाका में बड़े एहतजाजी मार्च की अपील की है। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने अवामी लीग को फासिस्ट करार देते हुए रैली की इजाजत देने से इंकार कर दिया है। हुकूमत ने कहा है कि बरतरफ वजीर आजम शेख हसीना की जमात अवामी लीग को इतवार को मनसूबा बंद रैली निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुर आलम ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि उबूरी हुकूमत मुल्क में किसी भी किस्म के तशद्दुद या अमन व अमान को खराब करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन बुध को व्हाइट हाउस में नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की मालूमात के मुताबिक बाइडन और ट्रंप बुध की सुबह 11 बजे ओवल ऑफिस में मुलाकात करेंगे। बाइडन ने सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन रहनुमा की फैसला कुन फतह के बाद इकदार की मुनज्जम मुंतकली का वादा किया था। काबिल जिक्र है कि यह मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब साबिक सदर की जनवरी में इकदार में वापसी का वक्त करीब आ रहा है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी 4 साल बाद इकदार में वापस आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। और नाज़रीन अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल देते हैं, जहां आपको बता दें कि मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अल बुईजान इस वक्त राजधानी दिल्ली में हैं और उन्होंने यहां पर 2 रोजा अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान इस्लाम के तहफ्फुज और तबलीग के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, कनाडा से यहां पर खबर है, जहां कनाडा ने अपने स्टूडेंट डायरेक्टर स्ट्रीम फास्ट ट्रैक वीजा प्रोग्राम को फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है ताकि मुल्क में गैर मुल्की तलबा की तादाद को कंट्रोल किया जा सके। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम हुक्म दिया है, मेडिकल सर्जरी के लाइव टेलीकास्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। अर्जी गुजारों की अदालत उज़्मा से एनएमसी को कमेटी मुकर्रर करने की हिदायत की अपील की है और जो बाकायदगी से लाइव सर्जरी टेलीकास्ट की निगरानी करे और वसी रहनुमा खतूत तैयार करे। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। पहला मैच जीतने वाली टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करेगी, जबकि मेजबान अफ्रीका सीरीज बराबर करना चाहेगी। और पहले मैच में भारत की जानिब से संजीव सैमसन ने सेंचुरी बनाई थी। भारतीय गेंदबाजों ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और मैच के लिए भारत के प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली मुतवक्के नहीं है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं।